नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। जिला मरिया से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां वन मंडल की रेंज मरिया के अंतर्गत ग्राम अमडी के भर्री टोला में सड़क किनारे एक बीमार तेंदुए का शावक मिला, जिसकी जानकारी स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा वन विभाग को दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने 3 महीने के तेंदुए का रेस्क्यू करते हुए शावक को मरिया मुख्यालय के वन मंडल काष्ठागार डिपो में लाया, जहां वन्य प्राणी चिकित्सक नितिन गुप्ता और डीएफओ मोहित सुद की निगरानी में प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। फिलहाल शावक स्वस्थ है, जिसके बाद उसे मुकुंदपुर भेजने की तैयारियां की जा रही हैं। आज सुबह हमें जानकारी मिली थी कि जो अमड़ी गांव है उसके नज़दीक एक खेत में एक तेंदुआ जो है घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। तो इमीडिएटली ये खबर मिलने के बाद ही हम लोग जो है, हमारा पूरा वन परिक्षेत्र उमरिया का रेस्क्यू टीम, उनका अमला, मैं स्वयं और बांधवगढ़ के पशु चिकित्सक डॉक्टर नितिन गुप्ता, हम सब मौके पर गए। हमने वहाँ से इस तेंदुए को, घायल तेंदुए शावक को हमने रेस्क्यू किया, और रेस्क्यू करने के उपरांत हम उसको यहाँ पे प्राथमिक उपचार के लिए काष्ठागार उमरिया के नीलाम हॉल में लेके आए। यहाँ पे जो है उसको बेसिक जो उपचार है उसका वो किया गया, और उसके जितने भी वाइटल साइंस और सिम्टम्स हैं उनको देखा गया, वो सब ठीक पाए गए हैं। कोई तेंदुआ जो है उसको अभी बेसिक फीड देके अभी हमने मुकुंदपुर हमें भेजना है इसको, उसकी हम पूरी तैयारी कर चुके हैं, और इस संबंध में हम आवश्यक निर्देश जो हैं हमारे PCCF वाइल्ड लाइफ जो हैं भोपाल में, उनसे हम प्राप्त कर चुके हैं। कितने माह का बच्चा होगा ये? 4 महीने का बच्चा है ये। कहाँ से आया हुआ सर, क्या लोकेशन रही होगी? ये जो है अपने सूचना जो मिली सूचना अनुसार ये अपने अपनी जो इसकी फैमिली है उसके साथ ये था, अन्य 2 शावक थे इसके साथ। तो ये संभवतः जो है कमज़ोर होने के कारण अपनी अपनी जो माता है उनसे उन्होंने इसको अलग कर दिया होगा। तो अभी हमने इसको अपनी अभिरक्षा में ले लिया है, और इसको जो है वन विभाग में जू में इसकी जो है देख रेख की जाएगी, और इसको जो है वहाँ पे स्वस्थ किया जाएगा।